नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 11 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर अच्छा 8, 9 देखिए बेटा आप एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 बोलना। 3x+5 इंटीग्रेशन ऑफ 3x+5 अपॉन x³ -x² -x + 1। चलिए तो देखिए पहले इसके नीचे जो डेनोमिनेटर में इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं सबसे पहले हम 3x+5 अपॉन, इन दोनों में से x² कॉमन लो, x² कॉमन इन दोनों में से x-1 और यहां से -1 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x+x-1। चलिए अब इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 3x+5 x-1 और x²-1। अभी सुनिए एक मिनट, एक बात ध्यान से सुनना भी, इसको भी लिख सकते हैं क्या 3x+5 x-1 x-1 और x+1। अब बच्चे ऐसा मत कर लेना कि इसको हम a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, c अपॉन दिस, ऐसा नहीं करना क्योंकि यहां पे ये स्क्वायर है, यहां पे ये स्क्वायर है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 3x+5 x-1 का होल स्क्वायर और ये x+1। ये बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे कर देते हैं कि a अलग अलग आगे तो a+b+c कर दो, ए बी सी के ऐसे अकॉर्डिंग, लेकिन करना कैसे है इस तरह स्क्वायर बना के। अब हम इसको लिखेंगे a अपॉन x-1 फिर b अपॉन बताओ x-1 का स्क्वायर, ठीक है ना, तब जाके अलग अलग आएंगे, और प्लस c अपॉन x+1 इस तरह करेंगे, बस ये यहां पे याद रखना आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि फिर a और b के नीचे सेम फैक्टर आ जाएंगे अगर ऐसा करोगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको, इस बात को ध्यान रखने के लिए नोट करिए। ओके अभी नोट कर लिया, चलिए अब क्वेश्चन बोलिए बेटा कौन सा करना है। टेन इलेवन ध्यान से सोचना पहले, टेन इलेवन ट्वेल्व, ट्वेल्व है ना, ट्वेल्व करके दिखाओ बेटा, ट्वेल्व देखना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ x+1 है ना, x²-1। अब सुनो फिर से वही प्रॉब्लम है, चलो डिवाइड आप करके दिखाइए आप, डिवाइड हाँ चलो मैं करूँ एक बार, चलो मैं ही कर देता हूँ, पहले तो डिवाइड ही करेंगे ना, तो ये x³ x+1 इससे करेंगे x²-1 से डिवाइड, क्या चाहिए x, तो ये हो जाएगा x³
और माइनस एक्स चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, दिस इज 2x प्लस 1। अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे हम, वही तरीका जो यहां पे है ना, यहां पे इसको तो लिखेंगे x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। अब तो कर सकते हो आप, अब हो जाएगा ना बेटा 10। इसको लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 x प्लस 1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये। मैसेज करके बताइए आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। चलिए नाउ ऑल अदर क्वेश्चंस यू कैन डू और नॉट। अब क्वेश्चन नंबर देखो 15 में क्या है, 1 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1 है, एक्स पावर 4 माइनस 1। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से सुनना, पहले इसके फैक्टर कर लेंगे हम। एक्स पावर 4 माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस 1 dx। तो डेनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं बस, इसको लिख सकते हैं हम क्या, एक्स स्क्वायर का पावर 2 माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं और क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे x प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, a अपॉन पहले जिसके फैक्टर है x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 और प्लस, क्योंकि नीचे डेनोमिनेटर में जो डिग्री है वो कितनी है 4, तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होने चाहिए ऊपर 4, तो 5 2 तो आ गए, सी एक्स प्लस डी ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही है ना, क्योंकि ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स इमेजिनरी है, रियल नंबर नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके ऊपर भी हमें दो आर्बिटरी कांस्टेंट लेने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर, नाउ यू कैन, आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर देखना आप 16, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 में x n माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना, हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 16 में x पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में साइन x को t मान लेना, क्वेश्चन नंबर 17 में साइन x को t मानना है। क्वेश्चन नंबर 18 में पहले चेंज करना है x स्क्वायर इक्वल टू t मान लेना, पहले आप छोटा सिंपल करने के लिए x स्क्वायर इक्वल टू t मान लेना, डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, t मान के क्या बनेगा आपके पास, t प्लस 1 t प्लस 2 ऊपर बन जाएगा डेनोमिनेटर में, और डेनोमिनेटर में बनेगा t प्लस 3 t प्लस 4, फिर इनकी मल्टीप्लाई करके ऊपर भी t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, नीचे भी t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों डिग्री सेम, तो क्या करोगे डिवाइड, यस। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी सिंपल, दोनों एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 दोनों ही ऐसी इक्वेशन है जिनके रूट्स इमेजिनरी है, तो क्या आएंगे, पहला तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी और दूसरा क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें क्या करोगे, एक्स क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 21 आप कर ही दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
ओके थैंक यू, ये एक्सरसाइज कंप्लीट।